यार कोई पूछ दो, पहले तो अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम अनु है। अनु है, आप कहाँ से हो? सर मैं गांव पेटवाड़ की रहने वाली हूँ। आपने यहाँ मीडिया क्यों बुलाई है? सर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली मेरे होते हुए, जिसमें कि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ सर, और मैं घर बसाना चाहती। सर मेरा हस्बैंड जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता। सर हमारी लव मैरिज हुई थी। कौन सी जगह की शादी? सर हमने हिसार कोर्ट में 26 सितंबर को 2020 में हमने हिसार कोर्ट में लव मैरिज की थी सर। दूसरी जगह कौन सी जगह की? सर दूसरी शादी उसने गांव डीडवाड़ा में की है सर। कितने दिन हो गए? सर ये करीबन 2.5 महीने हो गए सर। आपके पास कोई सबूत है? हाँ जी सर मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? सर उस लड़की की शादी की फोटोज हैं, और मैंने जैसे पहले भी मैंने एक बाइट दी थी सर, मैं वहीं पे गई थी मेरे ससुराल में, तो वहाँ पे वो लड़की मेरे हस्बैंड के बिस्तर से उठ के आई थी सर, और वो अपने आप को दोस्त बता रही है सर। वो दोस्त नहीं है सर, एक दोस्त कभी भी चूड़ा पहन के, मांग भर के और मंगलसूत्र पहन के सब कुछ एक शादीशुदा औरत की तरह दोस्त कभी नहीं रहता सर। उस लड़की का नाम क्या है? सर उस लड़की का नाम काफी है सर, और उसके फादर का नाम कृष्ण कुमार सर, जो कि गांव में बताया गया उसके। आपके हस्बैंड का नाम? सर मेरे हस्बैंड का नाम राकेश कुमार है। फादर नेम? सर उनके पापा का नाम सतबीर सिंह है सर। एड्रेस? सर एड्रेस वो माजरा, दुबलदन माजरा है सर उनका गांव, जो कि जज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है सर। क्या काम करते हैं वो? सर वो हरियाणा पुलिस में है सर। उनकी ड्यूटी कहाँ है? उनकी ड्यूटी सर ये सफेदों में है सर। तो अब आपने मीडिया बताई, आप क्या बातें मीडिया के सामने रखना चाहते हो? सर मैं मीडिया के सामने ये बात रखना चाहती, देखो सर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना बिल्कुल भी राइट नहीं है, और जो कि मैं तलाक नहीं देना चाहती सर, मैं उनके साथ घर बसाना चाहती हूँ सर, और वो जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं सर। शुरुआत में आपके जो हस्बैंड है जी वो सर, कब अलग हुए थे आपसे? सर वो मेरे से अभी 1 साल हो गया सर उनको। क्या कुछ कहा सुनी हुई आपके साथ में, क्या मैटर हुआ? सर मैटर ये हुआ सर, मेरे को पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ICS कोचिंग सेंटर जींद में सर मुझे हरियाणा पुलिस की तैयारी करने के लिए उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था सर, लेकिन उन्होंने मेरी फीस नहीं भरी सर। मैंने 3 से 4 दिन दी मैं सर, फिर ऐसे चलता रहा, उन्होंने 2000 फीस दी सर, लेकिन बाद में उन्होंने कोई फीस नहीं दी। बार बार नोटिस आता रहा वहाँ से, लेकिन उन्होंने कोई फीस नहीं दी सर। शादी के कितने दिन बाद आपको ज्वाइन करा था ICS? जी सर शादी के 1.5 साल बाद सर। हाँ जी डाइवोर्स है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही सर। अच्छा फैमिली को पता है? जी मैम मेरी फैमिली नहीं, मैं कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को पता है कि ये मेरी सिचुएशन हो रखी है। अनु जी उनका कहना है कि इनका कई लड़कों के साथ संपर्क था। सर अगर वो प्रूफ रख देंगे ना, तो जो सजा मुझे कानून देगा मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं गलत नहीं थी सर। आप कहाँ की रहने वाली हो वैसे? सर मैं गांव पेटवाड़ की रहने वाली हूँ। आपके घर वाले आपसे अलग क्यों हैं? जी सर क्योंकि मैंने लव मैरिज की है सर, मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं लव मैरिज करूँ। क्योंकि आपने खिलाफ हो गए लव मैरिज? जी सर। लव मैरिज क्यों की आपने, उनसे खिलाफ हो गए? क्योंकि सर मैं राकेश से प्यार करती थी और वो मुझसे प्यार करता था। कितनी एज थी आपकी जब? सर उस टाइम मैं 19 या 19.5 साल की थी सर। मैं ऐसी क्या कमी रही कि आपने लव मैरिज से ही उनसे करनी चाहिए? आप कह रहे थे ना मेरी कोई मजबूरी का फायदा उठा, वो बताओ। हाँ जी सर मजबूरी ये थी सर, क्योंकि उनको पता था कि मैं टेबल टेनिस की खिलाड़ी हूँ सर, और अच्छा खेल चुकी और आगे भी मैं खेलना चाहती हूँ सर, और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी सर। नौकरी पहले लग चुकी थी? हाँ जी सर वो 2 साल पहले ही गवर्नमेंट जॉब में थे सर। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के? नहीं सर, नहीं सर वो 2 साल पहले ही हरियाणा पुलिस में थे। आपको कब पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? सर मेरे को सर अभी 23 तारीख को पता लगा था सर, कुछ महीने पहले ही मतलब, और जिस दिन मुझे पता लगा उसी दिन सर मैंने मतलब एक्शन लेना शुरू कर दिया था, पूछताछ करना शुरू कर दिया था। मैं लड़की के गांव में भी गई सर। फिलहाल भी वो आपके पति के साथ है? जी मैम वो मेरे पति के घर में ही रह रही, मेरे पति के रूम में रह रही, मैं मेरे पति के साथ रह रही हूँ। आप लड़के गांव में गए थे शादी को लेकर, किसी से पूछताछ की आपने? हाँ जी सर मैं लड़की के गाँव में गई थी, गाँव डीडवाड़ा की रहने वाली सर वो लड़की, तो वहाँ पे सरपंच के घर में गई सर। सरपंच से मैंने बोला कि सर प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे लड़की का घर बता दो और प्लीज आप भी मेरे साथ चलो, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई इलिगेशन ना लगा दे वो। तो सर सरपंच ने कहा कि नहीं हम लड़की के घर ऐसे आपको नहीं लेके जा सकते, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप राकेश की वाइफ हो? तो सर मैंने अपनी शादी के वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाए, अपनी शादी के फोटो वगैरह सब कुछ मैंने दिखाया, मैंने प्रूफ किया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो गांव के सरपंच ने उनके घर वालों को बुलाया सर, मतलब उसके भाई थे पड़ोस के चाचा वगैरह ताऊ वगैरह, तो उन्होंने सर अगर देखो अगर वो एज ए वो बता रही कि मैं एज ए फ्रेंड रह रही हूँ, तो सर वो उनकी फैमिली वालों ने ये क्यों कहा कि बेटी इसके तो बाप नहीं, ये तो 4-5 बहनें हैं, माँ गरीब है, तुम उसको राकेश को डाइवोर्स दे दो, इनकी तो नई नई शादी हुई है, तू तो कुछ बन जाएगी। सर लड़की तो वो भी पढ़ी लिखी, क्या वो पढ़ लिखी वो कुछ नहीं बन सकती? जी सर लड़की के भाई थे सर, वो मुझे नहीं पता वो सगे भाई थे या पड़ोस के भाई थे सर, उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि तुम डाइवोर्स दे दो राकेश को, तुम्हारा क्या है अगर तुम्हें पसंद ही नहीं करता, ये मैं इनका पसंद नहीं करता तो लव मैरिज क्यों की थी उसने मेरे से? जितने
जिस दिन आप दोबारा राकेश से मिले थे जब वो लड़की उनके साथ थी, आप वहाँ पे गए थे? जी सर, मैं वहाँ पे साथ भी गए थे। हाँ जी, उस टाइम राकेश ने क्या जवाब दिया वो पूरी बात? सर राकेश ने ये कहा मैं तो 10 दिन बाद और बोल लूंगा, आज अभी तू आई है ना, उसने मुझे तू करके बात की सर कि अभी तू आई है तेरे को ये लड़की मिली है, अगर तू 10 दिन बाद आएगी तो तेरे को तीसरी मिलेगी, उसके दिन बाद उसके 10 दिन बाद आएगी तो तेरे को चौथी मिलेगी। मैं तो ऐसे ही, मैं तो सेक्स का भूखा हूँ, मेरे से सेक्स के बिना नहीं रहा जाता, मैं तो ऐसे ही, मैं शादी करता नहीं, लेकिन उसने शादी कर रखी है सर। वो छिपा रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी से परेशान आके या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँ, पागल हो जाऊँ, और मैं फिर मतलब डाइवोर्स हो जाएगा किसी भी तरीके से, और फिर मैं कह दूंगा कि मैं तो पसंद करता था, मेरी अच्छी दोस्त है और मैं शादी करूंगा इसे। वो शादी का फायदा पुलिस प्रशासन में कोई मतलब शिकायत नहीं दी जैसे? सर मैंने दी सर, मैंने जींद में भी दी सर, मैंने हिसार आईजी को भी कंप्लेंट दी सर, एसपी को भी, हांसी हिसार एसपी को भी सर, हांसी एसपी है जो सर निशिता गहलावत है शायद सर। क्या शिकायत दी आपने? जी सर कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे शादी कर ली है दूसरी और हमारा डाइवोर्स नहीं, और जो कि मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती, मैं घर बसाना चाहती हूँ, और मेरे होते मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी सर। मैम आप तो फिर क्या रहा, मतलब उसका क्या जवाब आया? उसका कुछ भी जवाब नहीं आया सर। मेरे को थाने में बुलाया गया, हांसी मैं थाने में गई सर, महिला थाने में, वहाँ पे ऐसे जो एडिशनल एस एस जो थी सर, शायद उनका नाम कविता शायद कुछ बताया गया, एएसआई नन्नी ने कॉन्टेक्ट में मुझे बताया कि आपको तो आप फिर भी उनके घर जा जाके परेशान कर रही हो? नहीं सर मैं परेशान नहीं कर रही, देखो सर एक पत्नी का पूरा पूरा राइट है, अगर उसका हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को अपने घर में रख रहा है तो सर किसी से भी सहन नहीं होएगा। अगर मेरे से ही लगा लो, अगर मैं किसी लड़के को रखूंगी अपने साथ में, क्या अगर मेरा हस्बैंड सही होगा, मुझसे ही प्यार करता होगा, क्या मेरा हस्बैंड मेरे को मतलब बर्दाश्त करेगा ऐसे किसी लड़के के साथ में? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा सर। लेकिन अब तो केस का उसमें गया हुआ, कानून प्रक्रिया से चलेगा ना आप? सर चलेगा, लेकिन मेरे घर पे आके मेरे को परेशान किया जा रहा है? नहीं सर बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मैं बिल्कुल शांत। आपके पति ने बोला है कि ऑन ड्यूटी आप उसको परेशान? नहीं मैम, ऑन ड्यूटी की बात सुनो, जब हमारी शादी हुई मैम, शादी होते हुए जैसे आज मेरी शादी हुई 3 बजे से हमारी शादी हो गई, उसने मुझे हिसार में राजी पीजी में उसने मुझे छोड़ दिया मेरे हस्बैंड जी ने, और मेरे को 75 रुपये दे के बोला कि मैं 1-2 दिन में ड्यूटी से आ जाऊँगा, लेकिन मैम वो नहीं आया, वो 10 से 15 दिन बाद आया, और फिर जैसे मतलब मालकिन बोलने लगी पीजी मालकिन जो भाई रेंट दो तुम, उसने मेरे हस्बैंड ने रेंट दिया मैम, तो बोलने लगी कि भाई तुम शादी तुम्हारी हो गई, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पीजी के जस्ट थोड़े से 10-15 कदम पे पार्क था मैम, मेरा हस्बैंड मुझसे वहाँ मिलता था एक मतलब दोस्त की तरह, हालांकि मैं उसकी पत्नी थी, ये तो गलत बात है ना, वो अपने घर मुझे लेके जाता, तो मैं मालकिन ने उसको समझाया भाई तुम्हारी शादी होगी तुम अपना पर्सनल रूम लेके रहो, एक पति पत्नी की तरह रहो, ऐसे दोस्तों की तरह नहीं, ऐसे चोरों की तरह नहीं। तो घर कब लेके गए आप? जी मैम, मैम हमने पहले वहाँ पे आजाद नगर में रूम लिया मैम किराए का, गली नंबर 3 में, वहाँ पे भी मैम मेरे हस्बैंड ने 13 दिसंबर 2020 को मेरे को जान से मारने की कोशिश की, और वो क्योंकि मेरा हस्बैंड अडल्ट्री में था, वो अपने फोन में, मैं सोई हुई मैम रात में 1 बजे, मेरे हस्बैंड का मतलब क्या बनता है कि वो फोन पे किसी से बात कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, अडल्ट वीडियो देख रहा है, अडल्ट कुछ फोटो देख रहा है, और दूसरी लड़कियों के फोटो रखने का मतलब क्या मैम? और मैंने ये कहा मेरे हस्बैंड से कि ये जितनी लड़कियों की फोटो आपके फोन में है, इनके घर वाले से मेरे को मेरी बात कराओ कि ये लड़की आपकी लगती क्या, कह रहा मेरी बहन लगती है, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी उसकी लड़की, तो मैम अगर बुआ की लड़की है तो मैंने तो कभी नहीं देखी, उसकी तो सिर्फ 2 ही बहनें हैं मैम, अगर वो सच्चा था ना मेरी तरफ प्रूफ दिखाता, फोन को लॉक क्यों रख के रखता था? मेरे फोन में मैम जितने भी लोग थे उसको हर लोग का पता था, और मैंने कभी मैम जब मेरा हस्बैंड मेरे पास आता हिसार में, मैंने कभी अपने साथ फोन नहीं रखा, मेरा फोन हमेशा अंदर ही रखा रहता, और ये मेरा हस्बैंड फ्रेश होता तो भी अपना फोन बाथरूम में लेके जाता, तो गलत इंसान ही ऐसा करेगा मैडम, सही इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। जी सर, जी सर, उस लड़की से क्या बात हुई? सर उस लड़की से मेरी मतलब मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने किसी मतलब उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था सर इंस्टा पे, तो मैंने किसी मेरी दोस्त थी सर रिया नाम से, तो उन्होंने मतलब अपनी आईडी से बात की उनसे कि मैं अनु बात कर रही हूँ, और उन्होंने मतलब मेरे को मेरी फोटो भेजी कि ये देखो इस लड़की की शादी हो चुकी है, वो सर मैंने इसलिए भिजवाई थी ताकि जैसे मेरे पति ने मेरे को धोखे में रखा है, मेरे से धोखा, मेरे को चीट किया, कहीं इस लड़की को कुछ नहीं पता हो और ये लड़की भी इसके मतलब प्यार में फंस गई हो, ये झूठ बोल के इसको फंसा रहा हो, तो सर इसलिए मैंने मेरे शादी के फोटो भिजवाए सर इंस्टाग्राम पे, उसने उस फोटो पे कमेंट किया सर मैं दिखा सकती हूँ, और झूठ बोल रही लड़की कि मैंने इसको किनर नहीं बोला, उस लड़की ने मुझे किनर तक बोला सर, मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ सर। मैडम क्या उनके परिवार में कोई बंदा आपको पसंद करता है अभी? जी सर, कोई भी बंदा, एक बंदा है कोई? हाँ सर बिल्कुल, देखो सर बात ये है, अगर पसंद नहीं होती, शादी से पहले 1.5 साल पहले हम रिलेशन में रहे, उसकी बहन के भी हम जाते थे, उसकी बहन की शादी बरवाला मतलब डिस्ट्रिक्ट तो जींद है सर, लेकिन बरवाला के पास में वो गांव है, उनका गांव है उदयपुर सर, मेरी ननद का नाम सर ममता,
उनकी शादी करती है जी सर, अभी लाइक करती है? अभी नहीं करती सर, पहले शादी से पहले सब मुझे लाइक करते थे या फिर ड्रामा था उनका, मतलब मुझे नहीं पता सर क्या था, लेकिन मैं मेरी ननंद के घर भी मुझे मेरे हस्बैंड सर लेके गए, हम दोनों मैं और मेरा हस्बैंड हम कोथली तक लेके गए सर, और उसके गांव रामायण से ही सर। अगर पसंद नहीं करते तो उस टाइम बोल सकते थे सर कि हम तुम तो बाल वाले नहीं, अगर उनको बाल वाले जूड़े वाली लड़की पसंद थी सर तो पहले भी मैं तो बॉयकट थी, अगर मैं पहले मेरे लंबे बाल हो और मैंने शादी के बाद कटवाए तो मैं गलत हूँ सर, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। आज कोई बंदा आपको लाइक करता है उनके घूम के बाद? नहीं सर, आज तो मेरा हस्बैंड ही लाइक नहीं करता सर, वो क्यों करेंगे मुझे लाइक? मैम उन्होंने तो मुझे निकाला, मैं डाइवोर्स लगने के बाद ही मैम 2-3 बार गई हूँ तो उन्होंने मुझे घर से निकाला, मैंने पुलिस बुलाई मैम। तो देखो अगर मुझे परेशान करेंगे, मुझे मारपीट करेंगे, मुझे घर से बाहर निकालेंगे तो मैं पुलिस को तो बुलाऊंगी मैम। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले ने बोल दिया कि अब इसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर की बहू है, तुम्हारे घर की बाल्टी भी है ना तो आधा हिस्सा इसका है। और मैम मैंने कभी भी लेन देन के चक्कर में मैंने कभी भी ये कहा नहीं कि मुझे घर चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला। तो क्या रीजन रहे कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया? आपने कभी पूछा राकेश से आपके पति से कि आप मुझे छोड़ क्यों रहे हैं? हाँ सर मैंने रीजन पूछा, कह रहा मैं नहीं पढ़ा सकता सर, हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन 26 सितंबर को, 1 साल हो गया था हमारी शादी को सर। मैंने कहा राकेश देखो मतलब ज्यादा तो नहीं मैं कहती, हम मतलब पेपर देने गए थे सर, मेरे हस्बैंड का उसका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था सर फरीदाबाद में, उनको पता था, मैं भूल चुकी थी कि हमारी शादी कौन सी तारीख हुई, लेकिन उनको पता था, मेरे को लगा कि हमारी 26 सितंबर को शादी हुई लेकिन उनको याद था कि हमारी 27 सितंबर को शादी हुई है सर। तो मैंने कहा राकेश अपनी शादी की सालगिरह तो उसको 28 को मैंने बोला उनको, तो कह रहा अपनी तो जा चुकी 27 को थी, मेरे हस्बैंड का एग्जाम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जा चुकी, तो आज अपन कुछ थोड़ा हल्का फुल्का प्रोग्राम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं हम पेटी ही खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो तेरे साथ केक काट सके ना शादी का, जा साली तू भाग जा किसी को लेके, तू घर से क्यों नहीं निकल जाती, तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती? और सर मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही मुझे दूर रखना चाहा, जब मैं जींद मेरे हस्बैंड के साथ रहने लगी सर, मेरे को सोनीपत ले गया सर एक दिन, कह रहा मैं तेरे को यहाँ पे ऐसे इस कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाऊंगा, एक बार मुझे पंचकुला ले गया सर, एक बार मुझे चंडीगढ़ ले गया सर, कह रहा तू यहाँ पे बट क्यों सर पास क्यों नहीं रखना चाहता था? उसके मन में कुछ था तभी तो वो मुझे साथ नहीं रखना चाह रहा था ना सर। ये बताओ शादी आपकी हुई, शादी के तुरंत बाद आपको पीजी में रखा जी सर, उससे पहले भी आपको लगता नहीं था शादी करने से पहले आप भी गलत कर रहे हो? शादी के करते ही पीजी में रखा, उससे पहले कैसा व्यवहार था और शादी के बाद? सर शादी से पहले भी ठीक ठाक ही था उनका व्यवहार, लेकिन सर जी सर सर कुछ मतलब ऐसी बात थी कि जो मेरे को शादी करनी पड़ी, मैं सॉरी मैं मीडिया में नहीं बोल सकती, कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मेरे को शादी करनी पड़ गई और जल्दी ही करनी सर मजबूरी। देखो मैं बोली जी सर, देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सर शादी से पहले, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई थी सर शादी करना, वरना मैं 5 साल का टाइम मैंने रखा था, मैं शादी अभी नहीं करना चाह रही थी, मैं आगे खेलना चाहती थी, तो सर इसलिए मेरे को शादी करनी पड़ गई थी। जिस टाइम आपकी शादी हुई एजुकेशन क्या थी? सर मैं 12th पास थी। आपने कोई रीजन नहीं बताया आप कि आपके पति ने क्या रीजन दिया आपको छोड़ने का? सर रीजन कोई रीजन नहीं हो सकता, शादी की सालगिरह दी और डेट जी सर बता रहे हो आप खाली पढ़ाई की वजह से? नहीं सर पढ़ाई की वजह से भी, मैंने उनको बोला कि कमी रही होगी सर, नहीं कमी कुछ भी नहीं थी सर, कमी उसने जान पूछ के बनाई सर, उसने एलिगेशन लगाई कि मेरी ड्यूटी भी जाती है। अब ये बताओ सर बंदा 15-15 दिन, हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी मम्मी है, भाई है, बहन सब कुछ है, उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप 1 महीने में घर आओ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ सर, जो ये और ब्रिज है सर पिंडारा यहाँ पे, इधर सर बिल्कुल सुनसान जगह है, और एक मतलब एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे, बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे। तो सर मैं क्या करती बताऊँ, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता, कहता मैं तो यूपी हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर, कहता फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फ़र्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का? नहीं सर बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा, यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIA 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आजाद नगर में रहते थे सर, ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फोन इसने सभी चौक लिया मेरे हस्बैंड, तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIA 1 में कैथल रोड पे सर, खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई? सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो मेरे मतलब मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड, और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर
कि आप मतलब आपके हस्बैंड के फोन पे मैंने फोन किया तो कोई लड़की ने फोन उठाया, तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की? मैं तो उस टाइम तक करनाल गई, मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। नहीं सर, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जी सर, जी एस पी ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड मतलब 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा मारपीट किया, एफआईआर दर्ज करवाई आपने, कंप्लेंट थी मारपीट? हाँ सर, मैंने कंप्लेंट दी बहुत जगह। जी सर, कंप्लेंट का कंप्लेंट मेरे बैग में है सर, और मैंने बैग देना इसका ये ना। रेस्ट हाउस में क्या हुआ था? रेस्ट हाउस के बाद क्या, फिर उसके बाद जब एसपी ऑफिस में आना हुआ, आपके हस्बैंड को सस्पेंड भी किया गया कुछ समय के? मुझे नहीं पता सर सस्पेंड किया गया कि नहीं। रेस्ट हाउस के बाहर क्या हुआ था? आपने पुलिस भी बुलाई थी उसकी, याद से तकरीबन 1 साल पहले की बात। तो क्या हुआ आपकी कंप्लेंट पे, पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसकी? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले बस मुझे ऐसे। जी सर, मैं डीएसपी में डीजीपी तक सर, पंचकुला डीजीपी तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस सपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं डीसी के भी पेश हुई, डीसी साहब ने बोला कि ये मतलब एप्लीकेशन आप है ना डीएसपी को या फिर एसपी को दो सर। मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी मेरे पास ये कंप्लेंट है सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सब ने यही कहा, आईजी ही साहब ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता, तो मैं क्या कर सकता नहीं, क्या दोनों पार्टी को बुलाया नहीं सर? बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर, ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये एसपी जींद को दी थी सर मैंने। एसपी जींद का मामला था, किस डेट का है ये मामला? जी सर, कौन सी तारीख? ये तारीख है सर 3/1/2022 की है सर ये तो, और उसके बाद है सर ये एसपी जज्जर सर, वसीम अकरम खान है सर वहाँ पे, वो पहले एसपी यहीं पे जींद में ही रहे हैं सर। कौन सी तारीख की है ये? है सर ये 5/1/2022 की है सर ये। 5/1/2022, हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे, जब रात में, जब मेरा हस्बैंड मतलब मेरी मार पिटाई की मेरी पढ़ाई को लेके, कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता है सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट ली थी सर। सिविल थाना, उसमें सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोला मुझे इस कंप्लेंट, जब मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है, और अगर उन्होंने उनको ये पता है सर तो मुझे बार बार थाने किस लिए बुलाया जाता था? मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता, और एक कंप्लेंट पे एक ही बार बयान होता है सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे इस एक कंप्लेंट के लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारी से बदतमीजी से बात कर? बिल्कुल भी नहीं सर, कौन से अधिकारी, वो मीडिया के सामने बोल सकते हैं सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर। आज जो मीडिया बुलाई है आपने, जी सर, वो किस लिए बुलाई, मतलब क्या चाह रहे हैं मीडिया? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर, ऐसे पत्नी के रहते हैं पति। कोर्ट में मिलेगा ना सर? कोर्ट में भी मिलेगा, लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर, ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर, और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। कुछ भी ऐसे नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ, मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर, मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ, महिला थाने के बाद सर मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं 22 उनको पहचान सकती, बट मुझे उनके नाम का नाम सुनने में आया, एक मैडम का नाम सुमन है सर, उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता तू तीसरे दिन थाने में आती, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेती? इंसान के साथ क्यों रहना चाहते जो आपके साथ मारपीट सर? क्योंकि मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं सर, मैं घर की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहां जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया तो अब क्या जिंदगी बची भी क्या सर मेरी? अब मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पुलिस हरियाणा पुलिस है वो भी आपके साथ नहीं है सर? मेरा परिवार कोई साथ नहीं है सर मेरे। किसके साथ रहते हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ, सेफ अमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर। मैम आप जेल भी गए हो, वो किस मैटर को लेकर? सर वो मैटर ये था, उस टाइम तक मेरा खर्च नहीं बना था कोर्ट से, और मैंने परविंदर कोर्ट जज मैम है वो बहुत अच्छी, मेरा हस्बैंड झूठे ही लीगेशन लगा रहा है कि मैडम ने मुझे धमका के। नहीं सर, बात ये थी सर उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, देखो अभी मेरे को मतलब
अभी मेरे को नॉलेज आ रही है थोड़ी थोड़ी, जो जो मेरे साथ मैं ठोकरे में खा रही हूँ उसी हिसाब से मुझे नॉलेज आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सर मैं स्पोर्ट्स के कपड़ों में आ गई थी सर, सीधी अकेडमी से मैं अपनी तारीख पहली थी। उस दिन मेरी दो तारीख थी सर, एक मेरी 125 की थी सर खर्चे वाली, एक मेरी डाइवोर्स वाली थी, एक मेरी मॉर्निंग में थी, एक मेरी मॉर्निंग के बाद यानी आफ्टर के बाद थी सर। तो सर उसमें क्या हुआ, मॉर्निंग की मेरी तारीख लग गई सर, मैडम ने बोल दिया। उससे पहले सर जब मैं जब भी मतलब कोर्ट में एंट्री करती सर, वहाँ पे सुमन और माया नाम की दो गार्ड बैठती है सर, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे मेन गेट पे सर जब हम कोर्ट में एंट्री करते हैं। तो उन्होंने वो सर मुझे हर बार टॉर्चर करती थी। अब ये बताओ सर, जैसे मैंने मैटर बता दिया आप लोगों को कि मेरा ये मैटर, तो सर बार बार पूछ रहे हैं तो मतलब आप लोग मतलब क्या ही मैं वर्ड बोलूँ इस बात पे। तो सर वो मुझे जान पूछ के मुझे इरिटेट करती थी सर, मुझे गुस्सा दिलाती थी ताकि मैं कुछ गुस्से में और कर दूँ। और सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हो। तो उन्होंने मुझसे ये बोलने के बजाय कि बेटा देखो ऐसी बात है, स्पोर्ट्स कपड़ों में आप कोर्ट में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते, ये बात तो रही दूर सर। उन्होंने ये कहा आ गई कच्छा पहन के, हालांकि सर मैंने कैफरी पहन रखी थी। उन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिला सर, इतना गुस्सा दिला और मुझे कुछ कुछ कहने लगी। तो सर मैं रोने लगी, रो के मैं अपने अंदर आ गई सर, पीछे पीछे मेरे लगी रही सर, वो पीछे पीछे लगी रही, मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चली गई सर। तो जज मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आप ये कपड़े चेंज करके आओ पहले। तो मैंने कहा मैडम ऐसी बात है कि मैं जैसे मतलब इस हालात में सफ़र करी थी तो मेरे कुछ कपड़े चोरी हो गए हैं, मतलब मैं ट्रेन में मेरे कपड़े छूट गए हैं, तो मैडम मेरे पास कपड़े नहीं है। तो सर मैं मैडम के आदेश के अनुसार मैं उसी टाइम बाहर आई और मैंने किसी से लोअर मांगा, मैं लोअर पहन के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गई सर दोबारा। तो सर मैं अगर मैं कानून का उल्लंघन करती सर, मतलब कानून के खिलाफ चलती, तो सर मैं वहीं पे बहस करती ना कि मैं तो नहीं पहनूंगी कपड़े पहन रखे मैंने। तो सर मैंने जज की बात को मानते हुए मैंने वहाँ पे लोअर पहन के मैं गई सर। तो अगर और अखबार में ये निकलवा गया सर कि लड़की निक्कर और टी शर्ट में आई, और सर झूठ साफ साफ लग रहा है। बयान में क्या लिखा हुआ है कि इस लड़की ने अपना नाम बताने पे अनु बताया और इसने डाइवोर्स का केस भी डाल रखा है। डाइवोर्स का केस डालती तो अब तो डाइवोर्स हो जाता सर, और इस लड़की ने खर्चे का भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। एक पत्नी एक ही केस डाल सकती सर, अगर डाइवोर्स का डाला तो पति डालेगा ना जो भी डालना है, फिर पत्नी अगर डाइवोर्स का डालती तो खर्चे का तो कोई भी राइट नहीं सर मांगने का। तो बयान तो साफ साफ झूठा यहीं पर आ रहा है सर, पुलिस वाली झूठे लिखी से मुझे लगा रही सर। अगर मैंने पुलिस वाली मेरे ऊपर सुमन और माया ने और कुछ और पुलिस वाले सर उन्होंने मुझ पर एलिगेशन लगाए कि मैंने उन बावर्दी उन पे हाथ उठाया, उनसे जान से मारने, उनको जान से मारने की धमकी दी सर, अगर वो प्रूफ कर देंगे ना तो सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ। अगर मैंने पुलिस वालों को सच में मारा है और उनको जान से मारने की धमकी दी। अब जैसे सर मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो मैं एविडेंस दूंगी सर, मैं सारे एविडेंस दूंगी। अगर वो सुमन और माया मैडम सच पे है ना सर, अगर सच में मैंने उनको मारा है, सच में मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है सर, तो प्रूफ रख दे सर, सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड ने चाल चली है कि इसको टॉर्चर करना, टॉर्चर करने इसको गुस्सा दिलाना, ये बोलना वो बोलना। रही बात सर, जज मैडम ने मुझसे कहा कि बेटा आपके हस्बैंड अर्जेंट मतलब पता नहीं क्या बोला कि कौन सी ड्यूटी पे है तो आपके हस्बैंड नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक मैडम मैं वेट कर लूँगी, कब आ सकते हैं। तो जज मैडम ने बोला, परमिंदर कौर जज मैडम ने बोला कि बेटा आपके हस्बैंड को बुलाया जाएगा लंच के बाद, आपकी एक तारीख है तो तब तक आप वेट कीजिएगा। तो सर मैं कोर्ट में बैठी हुई थी, तो सर मुझे इतना भी नहीं पता था उस टाइम पे कि कोर्ट में फ़ोन अलाउड नहीं होता सर। अगर मुझे पता होता, अब मैं जैसे मेरे को पता है सर, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं फ़ोन अपना बैग में रखती हूँ। जैसे मैं महिला आयोग पंचकुला गई सर, उन्होंने बोला कि मैडम फ़ोन अंदर लेके जाना अलाउड नहीं, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रखवाया भी सर, तो इन्होंने क्यों नहीं रखवाया सर। अगर पुलिस वाली अपनी जगह बोल रही है कि हमने बोला कि कोर्ट में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं, अगर उन्होंने बोला तो रखवा भी लेती सर वो, तो उनकी चाल थी सर, मेरे को फंसाने की चाल थी सर, उनकी साजिश थी। और मैं कारण था आपका जेल जाने जी सर, फोन का ही कारण था आपका सर, फोन का कारण बताएगा। और मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज मेरे एग्जाम आने वाले बीए के सर, मैं उस टाइम ऐसे जैन कॉलेज अंबाला सिटी में मेरा बीए का मतलब एग्जाम चल रहे थे सर, तो मैंने कहा मैडम मेरी फीस पेंडिंग है तो मेरी फीस भरवा दीजिएगा। तो मैडम ने कहा ठीक है आपके हस्बैंड को बुला रहे हैं, वेट कीजिएगा। तो सर मेरी जो वकील है सर, उन्होंने मुझे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठा दिया कि आप यहाँ पे वेट करो, आपकी दूसरी तारीख है। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं वहाँ बैठी। तो सर मेरे वकील को तो पता था कि मेरे को कोर्ट में बैठाया मैडम ने, तो अगर मैंने फ़ोन निकाल के फ़ोन किया मेरे वकील को तो मैं गलत हूँ सर, तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकते कि हाँ इस लड़की ने फ़ोन यूज किया। जब खुद मेरे वकील का फ़ोन आया सर, मैंने उसको रिसीव कर लिया सर, मेरी वकील ने पूछा मुझसे ज्योति मान मैडम ने
कि बेटा आप कहाँ, मैंने कहा मैडम आप कोर्ट में बैठा के गए थे, मैं तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठी। कह रही ठीक है तुम बाहर आ दो। तो सर इस पे मुझे इस बात पे, मतलब मैंने फ़ोन उठाया मेरी वकील का, तो इस बात पे मुझे एलिगेशन लगाया गया कि ये लड़की तो जज की रिकॉर्डिंग कर रही थी। जी सर ये सच्चाई है सर, अगर वो फुटेज दे देंगे ना कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, या फिर अगर मैंने रिकॉर्डिंग की है सर, तो मेरा फ़ोन उसी टाइम जब मैंने फ़ोन ले लिया था पुलिस वालों ने मेरा, तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाई गई सर कि इस लड़की ने, या फिर मतलब चल नहीं चलाई तो खुद जज या फिर वकील कोई तो उसको रखता प्रूफ के लिए कि लड़की के फ़ोन में ये मतलब रिकॉर्डिंग या फिर ये वीडियो पाई गई है। तो सर कुल मिला के मेरे से साजिश की गई है सर एक डाइवोर्स को लेने के लिए, ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूँ। और रही बात सर जेल में भी मुझे इतना टॉर्चर किया गया सर, वहाँ पे पता नहीं सर उन मैम का नाम क्या था, उन्होंने मुझे सर चुन्नी के लिए इतना डिस्टर्ब किया जेल में सर, कहती चुन्नी ओढ़ के चल, जैसे कोई मतलब जेल में आता सर बड़ा अधिकारी आता उनके सामने, मतलब सारे कैदियों को लेके जाते हैं, तो उस टाइम भी मेरे को इतना टॉर्चर करते सर अंदर कि तुम चुन्नी ओढ़ के चलो। सर क्यों मैं चुन्नी ओढ़ूंगी, कौन था मेरा वहाँ पे, तो ये टॉर्चर ही करना हुआ ना सर कि चुन्नी ओढ़ो। कौन सी जेल में थे सर? जीन जेल में ही थी सर मैं। उसका नाम पता है आपको जो आपको टॉर्चर कर रही थी वो? सर मैडम मैं शक्ल से पहचान सकती हूँ सर। नेम नहीं लगा रही थी वो, नेम आईडी? जी सर नेम आईडी नहीं है सर, थी मेरे को अभी दिमाग में है नहीं, याद नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा नाम, कमलेश पता नहीं ऐसा कुछ नाम था सर मेरे को, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है नाम क्या था उनका। जी सर पद क्या था सर? मुझे नहीं पता सर क्या पद था उनका, लेकिन बाई फेस में पहचान सकती कि यही मैडम थी। आज प्रशासन से क्या मांगा आपने? सर मांग ये है कि देखो सर कुल मिला के मेरे साथ हर जगह अन्याय हुआ है, मुझे झूठे केसों में फंसाया गया ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूँ। रही बात सर देखो डाइवोर्स की, मैं जब जेल में थी सर मेरे पास कोई अननोन वकील गया, कोर्ट से वकील गया, और मतलब उसने मुझे बोला कि बेटा आप साइन कर दो। मैंने कहा सर वो किस लिए? तो उसने कहा कि आपकी बेल के लिए। मैंने कहा सर आपका नाम बताइएगा। कह रही सॉरी मैडम मैं नाम नहीं बता सकता। सर क्यों नहीं बता सकता नाम? फिर मैंने पूछा सर चल ठीक है आपको भेजा किसने? कह रहा मैडम आपका नॉन पर्सन। मेरा तो नॉन कोई पर्सन नहीं है सर, अगर मेरा नॉन पर्सन होता इतने दिन मेरे को जेल में होता तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? मेरा नॉन पर्सन है तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? तो सर वहाँ पे उसने बोला कि आपका नॉन पर्सन आप साइन कर दीजिए। सर मैंने साइन नहीं की। सर फाइनली ये चाहती हूँ मेरे आरोपी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उन सबको सजा दी जाए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरी ननद हो, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है सर, या तो वो प्रूफ रख दे अगर मैंने गलत किया। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ सर। अगर पुलिस वालों का ये कहना है कि मैंने उनको सच में जान से मारने की धमकी दी है, या उनको मैंने बावर्दी हाथ उठाया गाली गलौज की, तो वो प्रूफ रख दे सर। सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर, लेकिन ये क्या मतलब सर एक डाइवोर्स के लिए कि पति इतना गिर सकता है सर कि मेरे को जेल तक पहुँचा दे, और जेल में मुझे धमकियाँ दिलवा रहा, वकील भेज रहा कि बेल करवा देंगे आपकी, डाइवोर्स दे दो। क्यों सर मैं क्यों दे दूँ? आप क्या चाहते हो? आप तलाक चाहते हैं? नहीं सर मैं उसके जैसे भी रखे मुझे, मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ सर। और मैंने सर जज साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, जबरदस्ती मेरा उसमें डीवी वाले में भी मेरा खर्च बांध दिया सर 2000 पर मंथ इंटरम सर, लेकिन मैं नहीं चाहती सर मैं खर्च उसमें, मैं डीवी में चाहती, मैंने डीवी का लगाया इसलिए था सर कि मेरे को घर उसके उसके भेजा जाए। अगर वो घर नहीं रखना चाहता तो अपना क्वार्टर लेके पुलिस में है सर, क्वार्टर तो उसको मिल सकता है, तो क्वार्टर लेके मुझे रख दे सर वो। मैडम जी तीन क्वेश्चन रहेगा लास्ट। जी सर तो आप प्रेग्नेंट हुई तो उस बच्चा क्या हुआ? जी सर बच्चे का ये हुआ सर, मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि प्रेग्नेंट इस तरीके से हुआ जाता, तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला, मैंने बताया कि राकेश मेरे साथ ऐसे ऐसी सिचुएशन हो रखी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैरिज से पहले की बात है ना? हाँ जी सर ये शादी से मतलब 2-3 महीने पहले की बात है सर, तो ये इसने मुझे मेरे घर से हांसी पार्क में बुलाया सर, वो पार्क बरवाला रोड पे है सर, थोड़ा सा हाँ जी बरवाला रोड बोलते हैं उसको। जी सर पार्क सर नाम का नहीं पता मुझे, और उस टाइम वो पार्क बंद मतलब चिनवाई लगी हुई थी सर, और बहुत गर्मी का टाइम था शायद जून ही हो गई सर उस टाइम पे, तो सर मैं गई इसके पास। चलो बताओ तो सर वहाँ पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे, घर वालों को बताएंगे तो बेचती ये वो मतलब बातें हुई, तो कह रहा नू बच्चे को गिरा देते। मैंने कहा क्यों यार, बच्चा तो आपका, हम इससे हम शादी कर लेते हैं, बच्चे को क्यों गिराएंगे, वंश तो आपका ही, अगर आपको डाउट लग रहा तो आप चेक करवाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अनु ये है वो, तुम बच्चे को गिरा। मैंने कहा नहीं राकेश मैं तो अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। तो सर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, मेरे को तेज ब्लीडिंग हुई सर, बहुत देर तक इसने मुझे मारा। फिर ये गया भागा भागा, मैंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की सर, मेरा फ़ोन भी इसने छीन लिया कि नहीं अनु मैं तेरे से शादी कर लूँगा, तो पुलिस को फ़ोन मत कर ये है वो है। तो सर ये मेरा फ़ोन लेके ये गेट की साइड गया सर, बहुत दूर था गेट,
और वहाँ से मतलब ये करीबन करीबन 20-25 मिनट बाद आया, यानी कि शादी सी समझूंगे सर, ये मेरे लिए एक पैंट खरीद के ले गया सर, जो कि एक स्कूल टाइप की होती है सर, स्काई ब्लू कलर की, ये मेरे लिए पैंट ले गया, कह रहा नू तू अपने कपड़े चेंज कर ले। मैंने सर कपड़े चेंज किए और फिर ये उसके बाद मेरे को अपने मामा के गांव रामायण ले गया सर, वहाँ पे भी रस्ते में इसने मुझे रोड पे मारा सर, टोल टैक्स से जैसे ही इनके गांव में इसके मामा के गांव में रामायण में एंट्री करते ना सर, वहीं पे इसने वहाँ पे भी इसने मेरे साथ मारपीट शुरू की। उसके यहाँ ये अपने रामायण में मुझे ले गया सर डॉक्टर के यहाँ, इनके बनिए का कोई डॉक्टर था शायद सर, उसके पास मुझे ले गया। वहाँ पे सर इन्होंने मुझे अदरक का पानी पिलाया, मेरे को दो ग्लूकोज लगी, मतलब बिल्कुल मेरी एनर्जी, मतलब ये हाल हो गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था एक बल्कि कि आज मेरा आखिरी दिन होगा सर। वहाँ पे भी मेरे को दो ग्लूकोज लगी सर, वहाँ पे मेरे को अदरक का पानी पिलाया, बहुत कुछ मतलब, तो मैं ठीक ठाक हुई सर हालात में। तो इसने मेरे को मेरे गाँव की बस में बैठा दिया सर, तो मैं अपने घर आ गई। मैंने मेरी माँ बोली क्या और खतरे को, मैंने कहा माँ बस मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसे ऐसे रस्ते में गिर गई थी, बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। मैंने अपने पेरेंट्स को भी झूठ बोला सर इस लड़के के लिए, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती थी सर इस इंसान से, और इसने हमेशा मुझे धोखे में रखा सर। एक और कह रहे थे ना आप जो मुंबई होटल में जा रहे थे, वो जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो बताना। हाँ सर, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी मेरे हस्बैंड से सर, मैं दिल्ली में अपने मतलब नेशनल की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली में गई हुई थी सर, स्पोर्ट्स अकेडमी देखने के लिए। मुझे किसी ने बताया कि आप दिल्ली में अकेडमी, दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी अकेडमी है, आप वहाँ तैयारी कीजिएगा, अब आप छोटी अकेडमी में तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आपका लेवल गेम का बहुत ऊंचा जा चुका है। अगर आपको सच में कुछ बनना है देश के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहते हो गेम के थ्रू, तो आप दिल्ली में जाइएगा। तो सर मैं दिल्ली में गई हुई थी और एक टिंकू नाम का लड़का सर वो मेरे साथ पढ़ता था, सोनीपत मुरथल गाँव सर, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता सर। उधर मैंने सर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था सर, 6 मंथ का, यानी शॉर्ट टर्म वाला कोर्स किया था सर मैंने। तो वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसको मेरे बारे में पता था सर कुछ कुछ, हालांकि मैं उसको भाई बोलती सर। मैं आज तक जिन जिन मतलब लड़कों जो जो मेरे साथ बोलते सर, मैं सबको भाई बोलती हूँ सर, सिर्फ राकेश के अलावा मैं सबको भाई बोलती हूँ सर। सिर्फ राकेश ऐसा इंसान था जिसको मैंने मतलब इसके अंदर इतना घुल मिल गई, इसके चंगुले में फंस गई, इसने मुझे झांसा दिया, गेम खिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर उस लड़के ने मेरे को मिलवाया इसे कि अनु ये ऐसे ऐसे हरियाणा पुलिस में, तो मुझे नहीं पता था सर कि हरियाणा पुलिस में होते हुए इंसान इतना गिर सकता है। तो मैंने इस पर बहुत ट्रस्ट किया सर। तो जैसे हमारी बातें हुई सर, हम वहाँ पे बैठे थे, इसने पूछा कि अनु जी आप मतलब कहाँ से हो, ये है वो, मतलब सारा हमने एक दूसरे को परिचय दिया अपना अपना। तो राकेश ने मुझे अपने आप को क्रिकेट का खिलाड़ी बताते हुए सर, और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बताते हुए मुझसे बोला कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाले की मतलब समझ सकता हूँ, आपकी गरीब फैमिली ये है वो, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कल को आप भी हरियाणा पुलिस में लग जाओगी, स्पोर्ट कोटे से ये है वो है, बाप नहीं है, तो मतलब इस तरीके से इसने मुझे अपनी चंगुली में फंसा। तो सर ये अपने साथ मुझे मुंबई ले गया। मुंबई में सर वहाँ उस लड़के टिंकू नाम के लड़के का एग्ज़ाम था सर, मुझे नहीं पता किस चीज़ का था सर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब का था इतना मुझे पता है। तो सर वहाँ पे हम होटल में ठहरे, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी मीडिया में, या फिर मैंने जो FIR दे रखी सर, सॉरी कंप्लेंट मैंने दे रखी है सर वहाँ पे महिला आयोग पंचकुला में रेनू भाटिया मैडम को, तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ सर। और रही बात होटल की, तो मैं उस लड़की से होटल का नाम भी पूछ लूँगी सर व्हाट्सएप पे कि उस होटल का नाम अपना सर। होटल में ये हुआ, उस लड़की ने मतलब वो बहुत ही रिच लड़की है, वो काफ़ी मतलब उसकी सैलरी सर, वो मुंबई में जॉब करती है, और वो जो टिंकू नाम का लड़का सर वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो सर वो वहाँ पे जॉब करती है। तो उसने क्या किया मेरे को मतलब उस लड़के ने और उस लड़की ने तो एक रूम ले लिया सर, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो भी मतलब बोले थे हम शादी वादी करेंगे, और मेरे को अपने बराबर में उन्होंने एक रूम दिला दिया और राकेश को ऊपर रूम दिलवा दिया सर। लेकिन राकेश अपने रूम में ना रह के उनके सोते मेरे रूम में क्या करने आ सर, अगर इसे कोई पूछने वाला हो। तो सर इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे भी, और ये पूरी रात मतलब मैं जैसे सुबह उठी मेरे को मतलब सिर में पेन था सर, मैंने बोला कि जी मुझे दवाई दीजिए, हालांकि देखो सर मैं झूठा लीजिए नहीं लगाऊँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर दर्द की ही दवाई दी थी उस टाइम, लेकिन उससे मेरे को उस रात आपके साथ गलत काम हुआ। हाँ सर उस टाइम बहुत गलत मर्जी से हुआ कि आपकी नहीं सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता, मर्जी से तो लव होता सर, अगर हम दोनों सेटिस्फाई हैं तो वो वही आपके साथ गलत। हाँ सर उसी वजह से मैं आज तक मतलब घुटती आई हूँ, घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत करती आई हूँ, और मैं मतलब शादी तक का मैंने कदम उठा लिया सर। अब आपकी शादी हो चुकी है, एक मिनट